चलो लिखो, एन जी एम्स बिटवीन टू नंबर्स, थर्ड है इसमें, एन जी एम्स एन जी एम्स बिटवीन टू नंबर्स, एन जी एम्स बिटवीन टू नंबर्स, ठीक है। अब यहाँ पे ये दोनों के दोनों नंबर पॉजिटिव होने चाहिए, रीजन भी कल हमने जो देखा था पावर में वन बाय एन आता है, इस तरीके की चीजें आती है उस वजह से। तो यहाँ पे लेट जी वन जी टू जी थ्री अप टू जी एन बी एन जी एम्स बिटवीन टू नंबर्स, टू पॉजिटिव नंबर्स, टू पॉजिटिव नंबर्स ए एंड बी, बी टू पॉजिटिव नंबर्स बिटवीन ए एंड बी, ठीक है। तो अब यहां पे जब हम ये सीक्वेंस लिखेंगे ए जी वन जी टू जी थ्री जी एन बी, तो ये सारे के सारे नंबर्स रहेंगे जीपी में, ये जो सीक्वेंस आएगी एक जीपी रहेगी, जैसे एम्स को इंसर्ट करते हैं तो वो एपी रहती है, वैसे ही ये जीपी रहेगी, ठीक है। अब उसके बाद ये कौन से नंबर की टर्म है बताओ, जीपी की सोच समझ के बताना, टोटल टर्म्स कितने हैं यहाँ पे, एन प्लस टू, एन प्लस टू, तो n प्लस टू एथ नंबर की टर्म रहेगी और ये फर्स्ट टर्म रहेगी, तो इसकी हेल्प से हमें यहाँ पे कॉमन रेशियो निकालना है, क्या कॉमन रेशियो, जैसे एपी में कॉमन डिफरेंस निकालते थे वैसे यहाँ पे कॉमन रेशियो, तो b इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म कॉमन रेशियो r ले लेते हैं, कौन से नंबर की टर्म है ये, n प्लस टू एथ नंबर की, तो n प्लस टू माइनस वन, n की जगह पे n प्लस टू आएगा क्योंकि ये n प्लस टू एथ नंबर की टर्म है, तो यहां से जब r निकालेंगे या r के पावर में n प्लस वन इज इक्वल टू बी बाय ए आ जाएगा, एंड जब r निकालेंगे तो वो आ जाएगा b बाय ए की पावर में वन अपॉन n प्लस वन, क्लियर, वन अपॉन n प्लस वन, एक बार r निकल गया, अब एक बार r निकल गया तो ये g1 हमें कैसे मिलेगा, a इंटू आर, g2 a इंटू आर स्क्वायर करके, तो सारे ज्योमेट्रिक मीन्स हमें मिल जाएंगे, a इंटू आर, जी टू जो आएगा a इंटू आर स्क्वेयर, जी थ्री a इंटू आर क्यूब, ऐसे ही जी एन हमें मिलेगा a इंटू आर की पावर n करके, ठीक है। तो इस तरीके से हमें सारे ज्योमेट्रिक मीन्स मिल जाएंगे, बस क्या निकालना था, r, r निकल गया, सारे ज्योमेट्रिक मीन्स मिल जाएंगे। तो लिखो इसको, इसमें कोई डाउट है तो पूछ लो, चलो पॉजिटिव भी होना चाहिए। अब ये देखो ना, पावर में वन अपॉन एन प्लस वन आ रहा है, अगर हमने एक पॉजिटिव एक नेगेटिव ले लिया, पावर में वन बाय टू वन बाय फोर वन बाय सिक्स ऐसा आ रहा है, तो ये डिफाइन ही नहीं हो पाएगा, तो इसलिए वो पॉजिटिव होना जरूरी होता है, ठीक है, उन सारे झंझट से बचने के लिए वो पॉजिटिव ही लेके चलते हैं। तो कोई भी पॉजिटिव वैल्यू लो ए एंड बी की, तो उसके बीच में हम एन जी एम्स को अगर इंसर्ट करते तो आर भी आएगा, आर रियल मिलेगा और फिर वहां से सारे ज्योमेट्रिक मीन्स मिल जाएंगे, ठीक है। Yes, sir. लिखो इसको जल्दी, नेक्स्ट पेज, ओके।
ठीक है, अब इसके क्वेश्चंस। लिखो, इंसर्ट फोर ज्योमेट्रिक मीन्स, इंसर्ट फोर ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन टू एंड 486, बिटवीन टू एंड 486, इंसर्ट फोर ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन टू एंड 486। आसान है क्वेश्चन, जल्दी से बताओ इसके बीच के चार ज्योमेट्रिक मीन्स। हो गया, अरे जल्दी करो, चार ज्योमेट्रिक मीन्स ही तो इंसर्ट करने हैं। आर निकालो पहले जल्दी से। हाँ सही है वैभव। फिर उसके बाद और किसका है, ये सबसे पहला आदित्य, सही है। बाकी लोग जल्दी, अरे कैलकुलेशन बढ़ाओ तुम लोग, रे तेज करो उसको, थोड़ा स्पीड उसकी। हाँ मुझे लग रहा है अभी भी भाई तुम लोग नींद में हो, रात को ज्यादा देर तक कंपटीशन देख ली होगी, खेली तो नहीं है तुम बोल रहे हो ना, मान लेते हैं, लेकिन देखा तो है, रात को देर रात तक देखा ही होगा वहां पे। हाँ ये जीत रहा वो कर रहा, तो अभी नहीं निकल रहे आंसर। हाँ सही है, प्रमुख, ओम, योगिनी, लास्ट वाला एक बार। सही है, कोई नहीं, वो देख 36 आता है या क्या आता है देख लो एक बार योगिनी, वहां पे 36 नहीं आता है, 54 आता है। चलो देखो यहाँ पे ये 2, G1, G2, G3, G4, ये 4 ज्योमेट्रिक मीन्स हमने इसके बीच में इंसर्ट कर दिए, ठीक है। अरे तुम लेट ज्वाइन हुए हो, कंपटीशन कौन सी वो बाद में पता चल जाएगा कौन सी कंपटीशन देखने और देखने गए थे बच्चे। यहाँ पे 4 ज्योमेट्रिक मीन्स इसके बीच में, ये 6 नंबर की टर्म है, ये फर्स्ट टर्म है, तो 486 इज इक्वल टू 2 इंटू आर की पावर में 6 माइनस 1 आएगा, तो यहां से आर इज इक्वल टू 486 बाय 2 की पावर में 1/5, तो आर इज इक्वल टू ये कितना आ रहा है यहाँ पे 243 की पावर में 1/5, दैट इज आर इज इक्वल टू 3, ठीक है, R is equal to 3. एक बार R मिल गया तो G1 2 into 3 6, G2 2 into 3 square 18, G3 2 into 3 cube 54 and G4
टू इंटू थ्री की पावर फोर 162, इस तरीके से ये चार टर्म्स, चार जीएम्स इसके बीच के हमें मिल जाएंगे। क्लियर? यस सर। चलो जल्दी से लिख लो इसको। किसी का बाकी है क्या लिखना? नो सर। कोई डाउट? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। सम ऑफ थ्री नंबर्स इन जीपी 70 लिखो। सम ऑफ थ्री नंबर्स इन जीपी 70 70. If the two extremes be multiplied each by 4. And the mean by 5. Then they are in AP. Then find the numbers. पहले समझो क्वेश्चन को, क्या दिया गया है लैंग्वेज के फॉर्म में। तीन नंबर जीपी में है, एक्सट्रीम्स मतलब पहला वाला एंड तीसरा वाला, उनको किससे मल्टीप्लाई किया है, क्या हो रहा है वो देख लो और आंसर बताओ। क्वेश्चन तो समझ गए ना? Yes. पहले क्वेश्चन को पढ़ो, देखो वहां पे क्या बोला गया, क्या पूछा गया है। संयुज, तुम्हारे सहेली को क्या हो गया आज? संयुज सर वो आउट ऑफ टाउन है। आउट ऑफ टाउन है वो। ओके करण, आदित्य, यस सर, तो मेरे नाम पर क्लिक करके फिर से बना दो मुझे।
हो गया ओके चलो ठीक है। हाँ सही है नितिन, बाकी लोग बताओ क्या आंसर आ रहा है। जो लैंग्वेज में दिया हुआ है उसको डाटा के फॉर्म में रिप्रेजेंट करो। सही है ओम, सही है प्रमुख। बाकी लोग हाँ मानस, ये ए के टर्म्स में नहीं आंसर निकलेगा इसका, ठीक है। हाँ सही है करीना, तुम्हारा नहीं आ रहा क्या आंसर करण? सॉल्व कर रहा हूँ सर। जल्दी करो बेटा। कितने लोगों का आ गया? 10, 20, 40, ये तीन नंबर्स है वो। चलो देख लो यहाँ पे, अब तीन नंबर्स जो जीपी में है वो ले लेंगे हम, क्या ए ए आर ए आर स्क्वेयर, इनका सम हमें गिवन है 70। फिर उसके बाद हमें ये बोला गया है अगर हम एक्सट्रीम्स मतलब ए एन ए आर स्क्वेयर को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं एंड मिडल मीन इनका क्या है, अगर ये जीपी में है तो बीच वाली टर्म इनका मीन रहती है ना, इसको 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये जो तीन टर्म्स आते हैं ये किसमें अभी एपी, ठीक है ये एपी में है और एपी की प्रॉपर्टी क्या रहती है, इसका 2 टाइम्स मतलब 10 ए आर इज इक्वल टू 4a प्लस 4a आर स्क्वेयर, ठीक है 4a प्लस 4a आर स्क्वायर रहता है। अब यहाँ पे a तो जीरो नहीं हो सकता है तो कैंसल आउट कर देंगे उसको, तो 2a कैंसल आउट हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा 5r, यहाँ पे बचेगा 2 और ये 2r स्क्वायर, तो 2r स्क्वायर माइनस 5r प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से r इज इक्वल टू 2 एंड r इज इक्वल टू 1/2, ठीक है r की दो वैल्यूज आ गई, तो इफ r इज इक्वल टू 2, r अगर हमें मिल गया, r मिल गया, चलो a निकाल लेते हैं, इफ r इज इक्वल टू 2 तो इसकी हेल्प से हमें a मिलेगा पहले वाले के हेल्प से, तो ये a प्लस 2a प्लस 4a इज इक्वल टू 70, दैट इज a इज इक्वल टू आ जाएगा 10, तो जो तीन नंबर है वो 10, 20, 40, तो 10, 20, 40 ये वो तीन नंबर्स रहेंगे, ठीक है। अगर हमने r को ले लिया 1/2, इफ r इज इक्वल टू 1/2 तो यहाँ पे a/2 a/4 इज इक्वल टू 70, तो यहाँ से जो a आएगा वो 40, तो पहला नंबर 40, दूसरा 20 एंड देन 10, ये वो नंबर्स रहेंगे, मीन्स वही 10, 40, 20, 10, 20, 40 या तो 40, 20, 10, क्लियर है ये? यस सर। लिख लो इसको जल्दी से, तो ये जीपी हमारा खत्म हो गया
तुम्हें इसके मॉड्यूल में से अगर होमवर्क देना है तो और कुछ सॉल्व करना है तो सेक्शन ए एंड सेक्शन बी, ये दो सेक्शन तुम सॉल्व कर सकते हो एक्सरसाइज वन के, ठीक है? लिख लेना नेक्स्ट लेक्चर के लिए होमवर्क। आज के लिए भी मैंने कुछ होमवर्क दिया होगा, स्टार्टिंग में मैंने पूछा नहीं क्या था वो, ठीक है? अपना ए वाला मॉड्यूल खत्म होने को ही आ गया, बी वाला मॉड्यूल टफ है, पहले बता देता हूँ। ए में ज्यादा कुछ खास है नहीं, ए में इजी क्वेश्चन से रिलेटिवली बी के कंपेयर में बी टफ है, अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे वहां पे, टाइम टेकिंग पूरा एडवांस लेवल के क्वेश्चन रहेंगे, वो उसको सॉल्व करने में या डिस्कस करने अगर सही में कोई कुछ कर रहा है तो उसको मजा आएगा, वरना अगर जो टफ चीजें देख के डर जाता है फिर तो पता नहीं उसका क्या होगा। सेक्शन ए हो गया क्या? ठीक है, सेक्शन बी कर लेना। एक्सरसाइज वन आसान रहता है, एक्सरसाइज वन में ज्यादा खास कुछ नहीं रहता और मेंस में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एक्सरसाइज वन जैसे। बाकी टू जो होता है वो एडवांस का होता है, उसमें पता चलता है कि कैसे तुम्हारे पास, मतलब कुछ क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं जो क्लास नोट्स में भी नहीं करवाए होते लेकिन वो कंसेप्ट एंड फॉर्मूले तो करवाए जाते सारे, तो उसके बेसिस पे उसको सॉल्व करना होता है और एडवांस में भी यही चाहिए होता है। सर नेक्स्ट पेज, हो गया? तो होमवर्क लिख लिया ना, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी, एक्सरसाइज वन, पार्ट वन, पार्ट टू, पार्ट थ्री, तीनों पार्ट में से सेक्शन ए एंड सेक्शन बी, ठीक है? चलो अब आगे बढ़ते, ये हो गया? यस सर। नेक्स्ट है हार्मोनिक प्रोग्रेशन, एचपी, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, पहला अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, दूसरा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। सर एपी करे से प्रोकॉल रे, हां क्या कह रहे हो? एपी का रेसिप्रोकल होता है। हां हां सही है। अच्छा हो गया था क्या तुम्हारा 10th में? नहीं सर, no, पढ़ा है। नो सर, आगे की चीजें पढ़ रहे हो तुम लोग। देखा है बस। देखा है क्या? चलो ठीक है, अच्छी बात है। अगर इतना टाइम तुम्हें मिल रहा है तो बहुत बढ़िया, मतलब होमवर्क करके देख रहे हो ना ये आगे का, अच्छी मतलब अच्छी बात होती है, लेकिन हाँ उसके लिए टाइम बहुत ज्यादा चाहिए होता है क्योंकि हमें होमवर्क करना है, हमें रिवीजन करनी है, उसके बाद अगर टाइम बच रहा है तो तुम जो अगले लेक्चर में पढ़ाने, मतलब जो पढ़ाया जाएगा उसका थोड़ा सा थ्योरी पार्ट देख सकते हो, तो क्लास में भी ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन ये सब कब करना है? जब हमारा होमवर्क कंप्लीट हो रहा है, हमारी रिवीजन हो जा रही है, उसके बाद, ठीक है? वरना वहां पे होमवर्क गया, हो नहीं रहा है, रिवीजन हो नहीं रही और तुम आगे का देख रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। एंड उसमें भी वो थ्योरी पार्ट देखना थोड़ा बहुत, ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं, हो तो यहाँ पे कर लेंगे, थ्योरी पार्ट थोड़ा सा देख लेना, ये 10th में ज्यादा हेल्प करेगी तुम्हें चीजें, 11th में अभी तो इतना खास कुछ होता नहीं है, 12th में थोड़ा बहुत अगर आगे का पढ़ के रखोगे, मतलब थ्योरी पार्ट तो समझने में आसानी रहेगी, ठीक है? अब एचपी, इफ
रेसिप्रोकल्स ऑफ द टर्म्स ऑफ सीक्वेंस, लिखो इसमें, इफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ द टर्म्स ऑफ सीक्वेंस आर इन एपी, आर इन एपी, देन द गिवन सीक्वेंस इज कॉल्ड एज HP. Then the given sequence is called as HP. ठीक है? Then the given sequence is called as HP. ठीक है? मतलब ये बोला जा रहा है अगर ये HP में है तो इनके reciprocals किस में होने चाहिए? 1/A11 वो तो है, किसमें होना चाहिए ये पूछ रहा हूँ मैं, एपी में. अगर इनके रेसिप्रोकल एपी में आ रहे हैं तो इस A1, A2, up to A सीक्वेंस को हम एचपी कह सकते हैं. तो एचपी का खुद का ऐसा कुछ भी नहीं है, वो सारी चीजें हम उसकी किससे डील करेंगे, एपी वाले से डील करेंगे. मतलब मान लो एचपी की हमें किसी नंबर की टर्म चाहिए होगी तो हम पहले क्या करेंगे, उस एचपी को एपी में कन्वर्ट कर लेंगे, एपी में उस नंबर की टर्म निकाल लेंगे एंड उसका फाइनली रेसिप्रोकल लेके एचपी की वो नंबर की टर्म बता देंगे. जैसे मान लो हमें A50 नंबर की टर्म चाहिए तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले ये उनको एपी में कन्वर्ट कर लेंगे, एपी के 50 नंबर की टर्म हम निकाल सकते हैं, हमारे पास रिजल्ट है. मतलब ये 1/A50 निकल जाएगा एंड हमें फाइनली A50 चाहिए था तो 1/A50 निकला है, उसका रेसिप्रोकल लेके A50 निकल जाएगा. तो एपी आता है तो एचपी आता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है. एंड एक और चीज, एचपी में सम डिफाइन नहीं होता है, ये ध्यान रखना, एचपी में सम डिफाइन नहीं होता है. ठीक है, एंड एचपी में अगर नंबर टर्म्स कौन सी है, कितने टर्म्स है, ये सारी चीजें अगर डील करनी है तो हम उसको पहले एपी में कन्वर्ट करेंगे एंड उसके थ्रू हम डील करेंगे वो. ठीक है, तो एग्जाम्पल लिखो तो मुझसे क्लियर हो जाएगा. ये एचपी में सम डिफाइन नहीं होता है. क्वेश्चन ये है, इफ इफ एमएथ टर्म ऑफ एचपी, इफ एमएथ टर्म ऑफ एचपी इज एन एंड एनएथ टर्म इज M, then find M plus nth term. Then find M plus nth term. ठीक है? Then find M plus nth term. तो पहला मैं बता देता हूँ, इसमें टी एम ये एचपी की एमएथ नंबर की टर्म है, वो किसके इक्वल है, एन, ये क्या है एम. तो एपी की अगर एनएथ एमएथ नंबर की टर्म चाहिए तो वो कितने आ जाएगी, ये आ जाएगी एनएथ नंबर की टर्म चाहिए तो वो 1/M. ये एपी के टर्म्स हो गए अब. ठीक है, ये ऊपर वाले एचपी के टर्म्स थे तो उनका रेसिप्रोकल ले लिया तो वो एपी के टर्म्स हो जाएंगे. ठीक है, एपी की कौन से नंबर की टर्म आ जाएगी, ये एमएथ नंबर की, और ये एपी की कौन से नंबर की टर्म, एनएथ नंबर की. तो अब ये हम एज्यूम कर लेते हैं कि जो भी एपी है उसकी फर्स्ट टर्म ए है एंड कॉमन डिफरेंस डी है, ये हम एज्यूम कर लेते हैं. ठीक है, लेट फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म ऑफ एपी इज इक्वल टू ए एंड कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू डी. एपी का कॉमन डिफरेंस डी. तो जो एमएथ नंबर की टर्म है एपी की उसको कैसे लिखेंगे, ए प्लस एम माइनस वन इंटू डी,
और ये किसके इक्वल है, वन बाय एन के इक्वल। एंड एनथ नंबर की टर्म उसको ऐसे लिखेंगे एंड वो किसके इक्वल आएगा, वन बाय एम। अब यहाँ पे ए एन डी को हम किसके टर्म्स में निकाल लेंगे, एम एन एन के टर्म्स में। तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ए कैंसल आउट एंड यहाँ पे आ जाएगा एम माइनस एन इंटू डी, माइनस कर रहे हैं एंड यहाँ पे वन बाय एन माइनस वन बाय एम, ठीक है। तो जब डी निकालेंगे तो यहाँ से जो डी है वो आ जाता है वन अपॉन एम एन, डी निकल गया। अब डी की हेल्प से हम निकालेंगे ए, किसी एक में पुट कर देना डी की वैल्यू। तो पहले वाले में पुट कर रहे तो ए प्लस एम माइनस वन इंटू डी कितना है, वन अपॉन एम एन इज इक्वल टू वन बाय एन। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो एम अपॉन एम एन मतलब वन बाय एन, ये माइनस वन अपॉन एम एन इज इक्वल टू वन बाय एन, ये तो गया। तो ए इज इक्वल टू भी वन बाय एम एन आ गया, मतलब जो एपी थी उसकी हमें फर्स्ट टर्म मिल गई, उसका हमें कॉमन डिफरेंस मिल गया। तो अब उस एपी की हम एम प्लस एनथ नंबर की टर्म निकाल लेंगे। तो उस एपी की एम प्लस एनथ नंबर की टर्म क्या हो जाएगी, ए प्लस एम प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो अब ए कितना था, वन अपॉन एम एन, एम प्लस एन माइनस वन इंटू वन अपॉन एम एन। अब ये वन अपॉन एम एन, ये एम प्लस एन अपॉन एम एन माइनस वन अपॉन एम एन आएगा, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कैंसल आउट। तो जो टर्म आ रही है, अब ये एपी की टर्म है, लेकिन ये ध्यान रखना एपी की एम प्लस एनथ नंबर की टर्म। तो एचपी की निकालनी तो इसका क्या लेना पड़ेगा, रेसिप्रोकल। तो ये आ जाएगी एम एन अपॉन एम प्लस एन। ये क्लियर है क्या, बताओ? यस सर। पहले क्या किया हमने, उसको एपी में कन्वर्ट किया, रेसिप्रोकल ले लिए। तो कहाँ गया, अभी ये जो टर्म थी ये एचपी की है तो उसका रेसिप्रोकल लेंगे तो ये एपी की एमएथ नंबर की टर्म, ये एपी की एनएथ नंबर की टर्म, ठीक है। एंड उसके बाद वो डील कर लिया इस तरीके से। तो फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस एज्यूम कर लिया ए एन डी, बाद में एन डी को एम एन एन के टर्म्स में निकाला, ठीक है। तो ये वाला पेज किसी का लिखना बाकी है, और सर ये लिख लो। ये वाला पेज लिख लिया? यस सर।
हो गया यस। तो एक क्वेश्चन तुम्हारे लिए, अब जल्दी से इसको सॉल्व करके बताओ कि क्वेश्चन ये है, सेवेंथ टर्म ऑफ एचपी, सेवेंथ टर्म ऑफ एचपी इज 1/10, सेवेंथ टर्म ऑफ एचपी इज 1/10 एंड ट्वेल्थ टर्म ऑफ एचपी इज 1/25 is 1/25 is 1/25 then find 20th term of HP, 20 number ki term of HP you find out karna hai, 7th number ki 1/10 hai, 12th number ki 1/15 hai, so 20 number ki term jaldi se batao। नहीं आर्यन, 1/30 तो नहीं है, गलत है। हाँ ये सही है, अथर, वैभव सही है, प्रमुख सही है, नहीं मानस गलत है। तन्वी सही है, योगिनी सही है, सही है करीना, ठीक है। तो यहाँ पे देख लो, सेवेंथ टर्म 1/10, तो एपी की सेवेंथ टर्म क्या हो जाएगी, 10। एचपी की ट्वेल्थ नंबर की टर्म 1/25, तो जो एपी की आएगी ट्वेल्थ नंबर की टर्म वो 25। तो यहाँ पे देख लो, हम जो एपी है उसकी फर्स्ट टर्म ए एंड कॉमन डिफरेंस डी मान लेते हैं, तो जो सेवेंथ टर्म है मतलब ए प्लस सिक्स डी इज इक्वल टू आ जाएगा 10 एंड ए प्लस 12 डी इज इक्वल टू 25। तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस 6 डी इज इक्वल टू, ये कितना आएगा, माइनस 15, तो डी इज इक्वल टू आ जाएगा 5/3 5/2 11/12 आएगा, सही है। यहाँ पे a प्लस 11d इज इक्वल टू 25, तो यहाँ पे माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस 5d इज इक्वल टू माइनस 15, तो d इज इक्वल टू 3, d इज इक्वल टू 3 मिल गया, तो a इज इक्वल टू माइनस 8 है कि नहीं, a इज इक्वल टू माइनस 8 आ जाएगा एंड a माइनस 8d 320 नंबर की टर्म, तो 1/t20 माइनस 8 प्लस 19 इंटू 3, तो यहाँ पे यह आ जाता है 49। लेकिन ये तो AP की है, तो HP की क्या हो जाएगी, 1/49,
ठीक है? यस सर। चलो लिख लो इसको। एंड आज यहाँ पे क्या थोड़ा सा लाइट का इश्यू है हमारे यहाँ पे, तो अभी लैपटॉप की बैटरी बस 10% है, तो जितना ये चलेगी बैटरी तब तक अपनी क्लास होगी। उसके बीच में लाइट आ गई तो अच्छी बात है, फिर अगर मान लो बंद हो गया तो क्लास खत्म हो गई आज की, ठीक है? फिर जो भी वो टाइम रहेगा उसको तुम वो होमवर्क कंप्लीट करने में लगाना, सीक्वेंस सीरीज का होमवर्क कंप्लीट करना, वो आज के आज ही करोगे तो अच्छा रहेगा। यस 10% एक आध क्वेश्चन तो हो ही जाएगा आराम से। ये वाला हो गया, कोई डाउट इसमें आप? नो सर। टेस्ट में मैथ्स का सिलेबस क्या होगा? अभी तो पता नहीं है, देखते हैं आने तो, अभी स्वप्निल सर ने भेजा नहीं है कि क्या है और क्या नहीं है। ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ ए वन ए टू ए थ्री आर इन एच पी विथ ए वन इज इक्वल टू फाइव and A20 is equal to 25, then the least positive integer for which an is less than zero, मतलब इस HP की सबसे पहली negative term हमें निकालनी है। Question को समझो, ये A1, A2, A3 up to R in HP है, उसमें फर्स्ट टर्म ये एचपी की फर्स्ट टर्म है 5 एंड A20 है 25। तो अब हमें इसमें इसकी मान लो किसी नंबर की टर्म निगेटिव आ रही है, वो फर्स्ट निगेटिव टर्म है, तो वहां पे वो एन बताना है कि वो कौन से नंबर की टर्म है। तो इसको तुम एपी में कन्वर्ट करो, दिख जाएगा। ये जब हमने एग्जाम दी थी एडवांस की तब का क्वेश्चन है, ये 2012 में दी थी मैंने, तो तब ये क्वेश्चन पूछा गया था सीक्वेंस सीरीज का एडवांस में। वैसे हमारे टाइम पे तो सिर्फ IIT की एक ही एग्जाम होती थी, IIT JEE, और फिर दूसरी होती थी IIEEE, वो बहुत बाद में होती थी, पहले एडवांस होती थी देन IIEEE की होती थी।